दोस्तों, जब भगवान श्री राम को मारने आया रावण का शक्तिशाली भतीजा, तो श्री राम मैदान छोड़कर क्यों भाग गए? क्या भगवान राम उससे डर गए थे? दोस्तों, आखिर कौन था रावण का भतीजा? क्या वो अपने चाचा रावण का बदला श्री राम से लेना चाहता था? ऐसे बहुत से खतरनाक रहस्य से पर्दा उठाकर रहूंगा आज की इसी वीडियो में। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल सुंदर वचन में। दोस्तों, मकराक्ष रामायण का एक बदनुमा भद्दा दाग राक्षस था, जो रावण का भतीजा और खर का पुत्र था। अपने पिता खर की मौत के बाद उसके जहन में राम को जान से मारने की आग धधक रही थी। जब दंडकारण्य के जंगल में भगवान राम के द्वारा उसके काका दूषण और पिता खर की सभी सैनिक दल को मौत के घाट उतार दिया गया था, तब से वह श्री राम से बदला लेने के फिराक में घूम रहा था। और जब श्री राम रावण से युद्ध करने लंका पहुंचे थे, तब उनकी बुद्धिमान वानर सेना के द्वारा महान योद्धाओं दुर्मुख, अकंपन तथा प्रहस्त को मौत की नींद सुला दिया था। तब रावण का दिमाग काम करना बंद कर दिया था कि अब वह श्री राम से युद्ध करने के लिए किस महान योद्धा को भेजे। ऐसे समय में मकराक्ष ने दशानन रावण से युद्ध भूमि में जाने की इच्छा उत्पन्न की। उसकी आंखों में राम को जान से मारने की आग दिखाई दे रही थी। मकराक्ष ने रावण को बताया कि जब से उसके पिता को मारा गया है, तब से उसकी माता ने अपने सुहाग और अन्य आभूषण वस्त्रों को नहीं उतारा है, और उसने भी अपने पिता के चिता में आग नहीं लगाई है, तथा उसकी माता की इच्छा है कि मैं श्री राम का मस्तक काट कर लेकर आऊं, जिससे वह उसकी खोपड़ी में जल भरकर श्रद्धांजलि अर्पण कर सके। मकराक्ष के अपने पिता के प्रति ऐसी भक्ति देखकर तथा उसकी माता का संकल्प सुनकर रावण अति प्रसन्न हुआ, तथा रावण ने उसे युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दे दी और कहा, जाओ, राम का मस्तक काट कर ही लौटना। रावण की आज्ञा पाकर मकराक्ष युद्ध भूमि में बहुत तेज गति से गया और पागलों की भांति राम को जोर जोर से आवाज लगाने लगा। उसकी आवाज सुनकर लक्ष्मण दौड़ते दौड़ते उसके पास आए और उसे युद्ध की चुनौती दे डाली, लेकिन वह केवल श्री राम से युद्ध करना चाहता था और उसने इसके लिए अपने माता के संकल्प की पुकार लगाई और श्री राम से युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। इस पर लक्ष्मण तथा अंगद वानर सेना के साथ उसका हंसी मजाक बनाने लगे, और यह देखकर स्वयं प्रभु श्री राम वहां आए और उन्हें मकराक्ष का उपहास करने से रोका। उन्होंने मकराक्ष के संकल्प का मान रखते हुए युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया। श्री राम ने मकराक्ष को वचन दिया कि उन दोनों के युद्ध के बीच कोई भी नहीं आएगा, और इस युद्ध में अगर मेरी मकराक्ष के द्वारा हार होगी तो उनके मस्तक पर केवल उसी का अधिकार होगा। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने लक्ष्मण को सौंपी। उसके बाद दोनों के बीच भयानक आक्रमण युद्ध शुरू हुआ। मकराक्ष मायावी तथा शक्तिशाली राक्षस था, लेकिन प्रभु श्री राम ने उसकी सभी माया को विफल कर दिया। अंत में उसने आकाश में उड़कर माया से अनेकों रूप धारण कर ली तथा भगवान राम पर जोरों से प्रहार करने लगा। इस पर विभीषण ने चुपके से श्री राम को बताया कि केवल असली मकराक्ष के शरीर से ही रक्त निकलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद श्री राम ने दिव्य अस्त्र चलाकर मकराक्ष को मौत की नींद सुला दिया तथा अपनी वानर सेना को आदेश दिया कि उसके शव को राक्षस सेना को सम्मान पूर्वक लौटा दिया जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।